जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 19 मेरा है, इसको मैं दो तीन पार्ट से अंदर बना रहा हूँ। उस पार्ट से अंदर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ज्योतिष के ऐसे कुछ नियम जो बहुत ही अद्भुत नियम हैं और जिनको आप प्रेडिक्शन करते वक्त इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट मिलते हैं। और नॉर्मली ये नियम ऐसे हैं जो नॉर्मल वे में कभी शायद हम लोग इसका ध्यान नहीं रखते, इनको नहीं लगाते। तो उसी के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्या नियम है ज्योतिष के। तो पहले स्टार्ट करता हूँ सबसे अमशा से। देखिए, अमशा बहुत अच्छा एक तरीका है किसी भी ग्रह के बारे में भविष्यवाणी करने का। अमशा क्या होता है? अमशा 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री को 12 भावों में डिवाइड किया जाता है। तो 12 भावों में जब डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट आता है 2 degree 30 minutes का, 30 divided by 12। तो 2 degree 30 minutes का जो एक पार्ट आया वो कहलाता है एक अमशा, फर्स्ट अमशा हो गया। तो इस तरीके से किसी भी राशि के अंदर टोटल मिला के 12 अमशा होते हैं। 12 अमशा ये मैंने इसमें किए हुए हैं, एक से भी ये 12 अमशा, एक 2 degree 30 minutes तक का, दूसरा 5 degree तक का, तीसरा 7 degree 30 minutes तक का, इस तरीके से 30 degrees तक। और इन 12 के 12 अमशा के 12 अलग अलग देवता होते हैं। जैसे पहला अंशा जो 0 से 2 degree 30 minutes का है, इसके देवता है कुबेर, कुबेर धन के स्वामी है। सेकंड अंशा इसका देवता है पतंगा, पतंगा थोड़ा सा नेगेटिव साइड में आ गया। चौथा कीर्ति, कीर्ति मीन्स एंथ्रोन, कीर्ति मतलब किसी आदमी की कीर्ति फैल रही है तो अच्छा वाला अंशा हो गया। तो ऐसे ही मोहना ये अंशा अच्छा हो गया, इंद्र ये अंशा अच्छा हो गया, कुबेर ये अंशा अच्छा हो गया। तो मतलब इसमें से देवताओं के हिसाब से, देवताओं के तरीके से इनके रिजल्ट्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह है, अब वो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहा है लग्न कुंडली के हिसाब से, और अगर योग कारक ग्रह होने के साथ साथ वो कुंडली का ग्रह आपके ऐसे अंशा में बैठा है जो या तो कुबेर हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो मोहना हो, तो समझिए द्वारे नारे हो जाते हैं, उसको और स्ट्रेंथ मिल जाती है, उसके फल ट्रिपल हो जाते हैं, 4 times हो जाता है और राजयोग बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ग्रह को देखें तो साथ साथ ये भी देखें कि वो ग्रह कौन से अंशा में बैठा हुआ है उसकी डिग्री के हिसाब से। तो ये इसमें मैंने बता दिया है, इसमें 3 तरह के अंशा को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 2, 6, 8 और 11 अंशा। ये मीडियम रिजल्ट देते हैं, मतलब योग कारक ग्रह को तो उसके रिजल्ट ठीक ठीक होते हैं। 3, 5, 9, 12 ये किसी योग कारक ग्रह के रिजल्ट, अगर कोई 3, 5, 9, 12 अंशा में हो तो उस योग कारक ग्रह के रिजल्ट थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। 1, 4, 7, 10 बेस्ट, अगर कोई योग कारक ग्रह हो और वो 1, 4, 7, 10 इन अंशा में बैठा हो तो समझिए उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक योग बन जाता है। तो इसको मैं आपको एक कुंडली के ऊपर बताना चाहूँगा। ये कुंडली है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है और इसमें मैं और चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, किसी और चीज़ की प्रेडिक्शन के बारे में बात नहीं करूँगा ना किसी योग के बारे में बात करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना मैं बात करना चाहूँगा कि 3 तरह के इसके अंदर ग्रह हमारे चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये 3 ग्रह हमारे ऐसे हैं जो अच्छे मतलब अंशा में बैठे हुए हैं। जैसे देखें चंद्रमा की डिग्री है 8 degree 56 minutes, चंद्रमा है 8 degree 56 minutes का, तो 8 degree 56 minutes का अगर आप देखें कहाँ बैठा आपका, ये आया आपका चौथे अंशा में 7 degree 30 minutes से लेकर 10 degree तक। तो ये चौथे अंशा में आया, चौथा अंशा है कीर्ति, यानी ये कीर्ति अंशा में बैठा हुआ है जो कीर्ति फैलाने वाला होता है, तो इससे इनकी कीर्ति बहुत फैली है, ये हम सभी जानते हैं। मंगल, मंगल 3rd भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव यानी केंद्र का स्वामी हो गए, अगर वो पाप राशि पाप मतलब रकश तो ग्रह हो तो शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो मंगल को देखें 24 degree का है मंगल, इसके अंदर 24 degree कहाँ बैठा, 10th अंशा के अंदर, 22 degree 30 minutes से लेकर 25 degree के बीच में, तो 10th अंशा में मंगल आया इंद्र। तो पराक्रम, पराक्रम के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्हें कितना पराक्रम है, कितने वो है उनका। तो आपने देखा कि पराक्रम बहुत अच्छा हुआ, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हुई, कीर्ति बहुत अच्छी हुई। अब आगे देखते हैं जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति को हम देखें कर्की राशि में, उच्च राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की डिग्री है 0 degree 43 minutes। तो ये कौन सा अंशा हुआ, ये फर्स्ट अंशा हुआ 0 से 2 degree 30 minutes, यानी बृहस्पति कुबेर के अंशा में बैठा हुआ है। तो इनकी कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं, चंद्रमा, मंगल और जुपिटर, जो कि बहुत अच्छे अंशा के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए इन ग्रहों के रिजल्ट उनको
थ्री टाइम्स फोर टाइम्स होते रहते हैं, और इस वजह से इनके जीवन में ये इतनी सफलता की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी किसी कुंडली में आप देखें तो कुंडली के ग्रह को जरूर चेक कीजिए, उनकी डिग्री को चेक कीजिए, उसके बाद देखिए वो ग्रह किसकी अंशा में है। अगर कोई अच्छा ग्रह योग कारक ग्रह कुंडली के हिसाब से बनता है और वो अच्छे अंशा में भी है तो उसके रिजल्ट को थ्री टाइम्स आप पढ़ावा मान सकते हैं, इतना अच्छा रहता है योग में। आशा करता हूँ आपको ये अंशा के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और फिर शेयर कीजिएगा। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।